वेलकम टू माई चैनल, आई एम सिमरन जहानी। तो क्लास ट्वेल्थ वाले मेरे भाई बहन जिनके पास भी फिजिकल है, तो आज से मैं स्टार्ट करा रही हूँ आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन का फुल सिलेबस। ठीक है, आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी कि जो क्रिकेट बहुत खुश होकर देखते हैं, अपना फेवरेट जो भी स्पोर्ट्स है ना, बहुत खुश होकर देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इन चैप्टर्स को पढ़ने में। क्योंकि ना कुछ आपको इसमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझते हुए चलोगे तो अपने आप एग्जाम में बना के लिखाओगे, इतना बढ़िया सब्जेक्ट हमारा ये फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो जैसे कि आज हमारा पहला चैप्टर है, इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ठीक है, नाम पढ़ के शायद तुम्हें लग रहा हो, अरे यार पता नहीं बड़ा पेचीदा सा चैप्टर हो, क्या मैनेज करना है ये वो। नहीं, अरे बहुत आसान चैप्टर है, बस हमें पढ़ना क्या है इसमें, जैसे हम लोगों ने अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखा, ठीक है, उससे पहले हमने फीफा का वर्ल्ड कप देखा, या फिर कोई भी हम टूर्नामेंट वगैरह देखते हैं, तो उसकी ना ऑर्गेनाइज कैसे करा जाता है। अब हम तो भैया वर्ल्ड कप देख रहे हैं सीधा जाके, बट यार उससे पहले भी तो कितनी मेहनत की गई होगी कि कौन से स्टेडियम में कौन सा मैच होगा, मैच के समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो प्लेयर्स हैं उनका ध्यान रखा जाए, ब्रॉडकास्ट अच्छे से हो, तुम घर पे बैठ के अपने मोबाइल पे भी देख लो, ऐप्स पे भी देख लो, टीवी पे भी देख लो, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, कितना कुछ प्लान करके ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती होगी ना कोई एक इवेंट कराने में, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो। तो सिंपल आज आप यही जानोगे कि उन्हें ऑर्गेनाइज कराया कैसे जाता है। और पता है आपको, ये जो मैनेज करना होता है, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ये से बड़े बड़े इवेंट्स में नहीं होता है कि भाई वर्ल्ड कप के लिए इतनी मेहनत की जाएगी, या फिर जो है कॉमनवेल्थ या ओलंपिक गेम्स के, नहीं, कोई सिंपल सा तुम्हारे स्कूल में भी अगर स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होगा ना, कि तुम्हारे को स्कूल में कहा गया है भैया इस डेट पे तुम्हारा स्पोर्ट्स डे आ रहा है, ये एनुअल फंक्शन आ रहा है, उसमें भी यही सारी स्टेप्स को फॉलो करा जाता है। तो या फिर घर में शादी भी होती है ना, तो भी जो सबसे पहले हम 6 स्टेप पढ़ेंगे, या फिर आपके घर में अपनी बर्थडे पार्टी तुम खुद से भी ऑर्गेनाइज करो ना, मैं अपना कैफे में बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो उसमें ये 4-5 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। बहुत आसान स्टेप्स है, बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, एक प्रॉपर नोट्स में तुम्हें बना के, जिससे तुम ना एग्जाम में आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओ, वो मैं कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी, तो उसकी भी टेंशन मत लेना, अभी बस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो क्या है चैप्टर का नाम, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, कि स्पोर्ट्स के कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो देखो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो ना, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं कह रही हूं मैं तुम्हें कि भाई ओलंपिक कराने हैं, वर्ल्ड कप कराना है, क्रिकेट के कोई मैच कराने, नहीं, कोई भी इवेंट अगर कराना होता है तो उस इवेंट को कराने के लिए ना 4-5 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप होते हैं, आप देखो इस वाली फोटो में। ठीक है, ये जार देख रहे हो, ये देखो, ये होते हैं कोई भी इवेंट को कराने के 5-6 स्टेप। सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। बीएसटी के स्टूडेंट समझ चुके होंगे, हम पढ़ते हैं बीएसटी में बीए। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, और कंट्रोलिंग होता है। ये 4-5 स्टेप्स फॉलो हम करके कोई भी एक इवेंट होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है हमारा, प्लानिंग। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, डिफाइन प्लानिंग, डेफिनेशन लिखना, ऑब्जेक्टिव लिखना, क्या फायदे प्लानिंग करने के, नंबर मिल गए झकास आपको। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लो। प्लानिंग क्या है, देखो प्लानिंग मतलब कोई भी अगर आपको ऑर्गेनाइज करानी है इवेंट, कोई भी अगर कार्यक्रम आपको जो है करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग में प्लान तो करोगे कि क्या करवाना है, सोचोगे इवेंट हम इस डेट को कराएंगे, ठीक है, इतने जनों को बुलाएंगे, ये वाले मैचेस रखवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब भी आप कोई फ्यूचर की इवेंट के लिए आज प्रेजेंट में बैठकर अपने दिमाग में विचार करके प्लान बनाते हो, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। सपोज यही सोच लो, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम आने हैं, मैंने लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी डाली, तो वो क्या था, हमारी बोर्ड एग्जाम की प्लानिंग हो रही थी। तो प्लानिंग क्या होता है, किसी भी फ्यूचर की इवेंट के लिए अगर हम खुद से अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाते हैं फॉर द फ्यूचर इवेंट की सक्सेस के लिए, उसे कहते हैं प्लानिंग। तो तुम रट्टाफाई भी नहीं करना है, खुद अपने आप डेफिनेशन करना, प्लानिंग मीन्स मेकिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर अ फ्यूचर इवेंट, ये भी लिख दोगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या है प्लानिंग, मतलब क्या होता है, प्लानिंग मतलब होता है किसी भी काम को सिस्टमेटिकली कराने के लिए और वो सक्सेसफुल हो, उसके लिए जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो भी हम चीज़ों को सोचते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, प्लानिंग कह देते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग की अगर एक सिंपल डेफिनेशन एग्जाम में आपको आ जाए, डिफाइन प्लानिंग, तो क्या होता है, प्लानिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने ये हाईलाइट कर दिया, तुम ये वाली लिख देना। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। सीक्वेंस ऑफ वर्क मतलब स्ट्रेटजी हो गया ना सिंपल, बट ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो आपको यही वाली लिखनी है, क्योंकि ये जो है प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है,
तो प्लानिंग क्या होती है ये वाली लर्न कर लो, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज प्लानिंग, यही वाली डेफिनेशन को टाइप करके बता दो, या बाय चांस कोई और तुम्हें आसान लग रही हो तो उसको, ठीक है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, आगे करने वाले फ्यूचर की किसी भी इवेंट के लिए जो भी हम अपने तरफ से जो भी स्ट्रेटेजी बनाती है उसे कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। अब जो प्लानिंग होती है ना उसमें ये सारे स्टेप्स आगे वाले इंक्लूडेड होने चाहिए। कौन से आगे वाले स्टेप? जो प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्लानिंग में इंक्लूड हमें करने चाहिए, तभी हमारा गोल होगा सक्सेसफुल। तो ये वाली लाइन भी प्लानिंग के डेफिनेशन में लिख देना, ठीक है। अब प्लानिंग करने के फायदे क्या क्या होते हैं तो आप खुद सोचो, जब हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो उसका हमें फायदा क्या होता है, हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, हमारा जो है अच्छा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में नहीं आते हैं, हमें पता है हमें कब क्या पढ़ना है। तो प्लानिंग मतलब ही होता है अगर आप चीज़ों को सही से प्लान करते हुए चलोगे तो टाइम में, अभी मैं यहाँ देख भी नहीं रही हूँ, यही अंदर लिखा होगा यहाँ पे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स या प्लानिंग के फायदे। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो खुद सोचो प्लान करके चलते हैं तो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, काम सही समय पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एंड स्ट्रेस नहीं होगा और जो है टेंशन क्रिएट नहीं होगी, जो आपका गोल है वो सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा। सिंपल ये चार बातें भी खुद से बना के लिखाओगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है ये लिखी, रिड्यूस अनड्यू प्रेशर, जब भी आप चीज़ों को प्लान करके चलोगे तो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ये तो मैंने कहा, स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा। जैसे तुम सब्जेक्ट्स की प्लान करते हो, ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, तो तुम कोऑर्डिनेट होके कर चल रहे हो तो उससे प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, गुड कंट्रोल होता है सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर, एफिशिएंसी, बढ़िया तरीके से काम किया जाता है, कोई मिस्टेक्स की चांसेस नहीं रहती। आप इसको स्पोर्ट्स में लेके देखो, जब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करो, कोई क्रिकेट का मैच होना है तो उसमें प्लान करा जाता है, अच्छा ठीक है इस वाले ग्राउंड पे होगा, इस डेट को होगा, ये वाली टीम्स के बीच में होगा, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है एंड कैसे ऑर्गेनाइज होगी वो प्रॉपर इवेंट, तो उसके लिए अगर पहले से अच्छे से प्लान कर लिया जाए तो बहुत अच्छे से वो इवेंट हो जाएगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। इंक्रीज द क्रिएटिविटी, ये भी लिखना प्लानिंग में, जब आप प्लान करते हुए चलते हो ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप फोकस्ड रहोगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, चिंता में नहीं रहोगे, और जब माइंड फ्री होता है ना तो क्रिएटिव हो जाता है। तो इसलिए जब आप पहले से काम करते हुए चलोगे तरीके से तो आप क्रिएटिव हो जाओगे और इन्हांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये लिखना प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में, ये प्लानिंग की डेफिनेशन में भी लिखना, when we plan correctly it increases the efficiency, जब आप अच्छे से प्लान करते हुए चलोगे तो efficiency बढ़ी होगी। जैसे हमने इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो और हमारे यहाँ 100 में से 100 नंबर, ठीक है। तो प्लानिंग कंप्लीट हो गया, अब प्लानिंग के बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। जैसे तुम ना वो सारी स्टेशनरी लेकर आते हो, अपनी बुक्स कॉपी लेकर आते हो और फिर सोचते हो अच्छा इतनी देर ये पढ़ूंगा इतनी देर ये, और उसके बाद पूरा ऑर्गेनाइज कर लेते हो अपना सेटअप वगैरह। तो स्पोर्ट्स इवेंट में ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है कि आपने मान लिया भाई हमें क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराना है, या तुम सिंपल लोग कि तुम्हारे घर में शादी होने वाली है, तुम्हारे किसी कजन की, ठीक है, क्लोज कजन की शादी है, तो घर में पूरी ना प्लानिंग हो जाती है, अच्छा इस डेट को, डेट वेट जब फिक्स हो जाती है तो फिर ऑर्गेनाइज करा जाता है, अच्छा इस मंडप में होगी, ये ड्यूटीज ये करेंगे, ये वाले मामा जी ये वाला मिठाई देखेंगे, ये चाचा जी केटरर्स को देखेंगे, ये इस तरीके से जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना अपने काम को तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वेरियस वर्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू अ इवेंट या फिर प्रोग्राम आर स्पेसिफाइड। यही तो मैंने समझाया तुम्हें। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, इवेंट को अब ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करने के लिए इवेंट कहां पे होगा, किस जने ने क्या काम करना है, वो सबका बंटवारा हो जाता है इन द ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि सपोज करो मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी या फिर एक शादी के एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ, इसको तुम स्पोर्ट्स इवेंट में लगा, सपोज करो तुम्हारे घर में किसी क्लोज कजन की शादी है या तुम्हारा बर्थडे है, तो सबसे पहले प्लानिंग में तो तुमने सोच लिया हाँ पार्टी करनी है, हाँ भाई शादी करनी है, उसका फंक्शन करना है, तो प्लान पूरा आपका हो गया। प्लानिंग के लिए आगे आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, सोचोगे भैया कौन सी जगह पे होगा, भाई वेन्यू डिसाइड होगा सबसे पहले, ठीक है, फिर ये देखा जाएगा कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तुमने अपने चाचा जी को कह दिया कि वो केटरर्स देखेंगे, एक जना कार्ड छपवा के लाएगा, एक जना जो है लाइटनिंग और डेकोरेशन को देखेगा, ठीक है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी, दादाजी घर पे बैठ के सबको ऊपर से इंचार्ज बन के ध्यान रखेंगे, ये कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि सारे वेरियस वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना, जिससे कि वो इवेंट और प्रोग्राम सही तरीके से। अब इसको क्रिकेट मैच में लगा के देख लो, अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे में लगा के देख लो, कि जब डिसाइड हो गया कि क्रिकेट मैच इस डेट पे होना है तो उसके बाद में कमेटीज़ बनाई जाती हैं और सबको उनका असाइन टास्क बता दिया जाता है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है
तो हमारे यहाँ मैम जब बता देती है स्पोर्ट्स डे है तो तीन बच्चों को कहते हैं जाओ भैया हर क्लास में जाओ और नाम लिखवा के लाओ कौन इंटरेस्टेड है। जिन बच्चों की ड्राइंग व्राइंग अच्छी होती है उन्हें डेकोरेशन का जिम्मा दे दिया जाता है, जिन बच्चे डिबेट में और स्पीकिंग में अच्छे होते हैं उन्हें एंकर और होस्ट बना दिया जाता है। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होता है ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है। अब ऑर्गेनाइजिंग जो है कैसे होती है, सबसे पहले इसमें क्या करा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसके आगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करा जाता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन होगा, काम का बंटवारा किया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड कमेटीज। अभी तुम्हारा थर्ड टॉपिक में आप लोग सारी कमेटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो, तो ये कमेटीज़ की फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजिंग में, अलग अलग ये मैंने कहा ना कि भैया जिनकी डेकोरेशन अच्छी है उनको डेकोरेशन का काम दे दिया, जो बोलने में अच्छे हैं उन्हें होस्ट बनाने का काम दे दिया, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं उनको कह दिया नाम लिखवा के लाओ, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमने कमेटीज़ बना दी बच्चों की, ये वाला ये करेगा काम, ये वाला ये, कि कल को ये ना हो कि हर कोई कहे कि हमें तो पता ही नहीं था हमें क्या करना है। इसलिए कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करानी हो तो उसमें कमेटी या फिर फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ टू कंसर्न डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बनाए ये डेकोरेशन वाले, ये लाइटनिंग वाले, ये नाम लिखवा के लाने वाले, ये सिंगिंग वाले, और ये जो है एंकर और होस्ट है, फिर उनको उनका उनका काम बता दिया। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजिंग में। और ये भी होता है कि अब ये सारी कमेटीज़ तो तुमने बना दी, अब उनके बीच में भी सही तालमेल बैठे, सब लोग सही से काम करें, ये भी हम ऑर्गेनाइजिंग में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ, जो भी आपका फंक्शन आपको करना है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना वर्क को, और जो है साथी के साथ कमेटीज़ बनाना, ठीक है। अब कमेटी हमने बना तो दी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग। कमेटी बना तो दी है बट उस कमेटी में जो आपने अपॉइंट करे ना लोग, वो सेकेंड स्टेप में होता है, इसको हम कहते हैं स्टाफिंग। कि जैसे मैंने कहा कि आपने डेकोरेशन के लिए कहा कि डेकोरेशन कमेटी बनेगी, अब वो डेकोरेशन कमेटी के लिए आपको कुछ बच्चे ढूंढने होंगे जिनकी क्राफ्ट स्किल्स वगैरह अच्छी है, तो उसको हम कहेंगे स्टाफिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में तो पेपर पे लिख लेते हैं डेकोरेशन वाले लोग चाहिए और जो है अच्छे सिंगर्स चाहिए, अच्छे बच्चे जिनका सिलेक्शन होगा वो लिखवाने को ही जाएंगे, इतने जो है रेसेस वगैरह होंगी, जिन बच्चों को नॉलेज है, जिन टीचर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये तो हमने कमेटी बना ली, हाँ ये काम हमें करना है। अब फिर उन लोगों को ढूंढा जाएगा जो ये काम सही से कर सकते हैं, वो होता है स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग, अपॉइंट करना, हायर करना, सिलेक्ट करना एलिजिबल पर्सन को बाय इवैल्यूएटिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अब स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स इवेंट कोई भी ऑर्गेनाइज कराना हो तो आप देखते हो वर्ल्ड कप जब हुआ या कोई भी इवेंट होता है, कुछ एक स्पेशलिस्ट टीम होती है, जैसे किसी प्लेयर को अगर चोट लग जाए तो वो जल्दी से आते हैं, उनको उनको फर्स्ट एड देते हैं और उनको जो है ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट एड कमेटी होती है। अब फर्स्ट एड कमेटी के लिए डॉक्टर्स अपॉइंट करना, नर्सेज अपॉइंट करना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको अपॉइंट करना, वो सब स्टाफिंग में होगा। अब देखते हो आपकी इतना बड़ा आपका जो वर्ल्ड कप वगैरह या जो भी इवेंट है आप अपने घर पर टीवी पे देख लेते हो, तो वो कौन, वो ब्रॉडकास्टिंग कमेटी होती है जो वो सब देखती है कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे होगा। आपको टीवी पे ऐड दिख रहे होते हैं इतने समय तक, जब भी कोई वर्ल्ड कप आ रहा था, आईपीएल आता है, कोई भी टूर्नामेंट आने वाला होता है, तुम्हें गाने भी बन जाते हैं भाई आजकल तो, बड़े बड़े जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो उससे पहले उनके प्रमोशन के लिए गाने भी बनते हैं, तो वो सब किसका काम होता है, वो होता है एडवर्टाइजिंग कमेटी का काम, जो एडवर्टाइज करेगी, लोगों को पता चले ये वाला इवेंट होने वाला है। तो जो भी कमेटी के अंदर के लोगों को अपॉइंट करना होता है वो स्टाफिंग में होता है, कि भैया आप जो है काफ़ी अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, आपका काम है हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करना, आपकी जो है आप डॉक्टर बड़े अच्छे हो, आप हमारी फर्स्ट एड कमेटी में आ जाओ, आप हमारे यहाँ डॉक्टर बनोगे। अरे ये डेकोरेशन ग्राउंड पे भी तो कितनी डेकोरेशन होती है, अरे इन लोगों की पर्टिकुलर एजेंसी होगी, वो हायर करेंगे उनको कि भाई इनकी जो है ये हमारे यहाँ पे आके स्टाफिंग उनको जो है अपॉइंट कर लिया कि ये डेकोरेशन करेंगे। खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए रिफ्रेशमेंट कमेटी होती है, फिर एक बढ़िया सा केटर ढूंढा जाएगा, उन्हें अपॉइंट कर लिया कि ये जो है इवेंट में, स्पोर्ट्स इवेंट में खाने का सारा बंदोबस्त करेंगे। तो स्टाफिंग में क्या है, कमेटी के लिए जो अंदर लोग हैं उन्हें हायर करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, ये सब काम होता है स्टाफिंग में, ठीक है। और एस्टीमेट भी करना कि भाई अगर हमें जो है कितने लोगों की ज़रूरत होगी, स्टाफ की कितने स्टाफ की ज़रूरत होगी ये देखा जाता है, सही स्टाफ को सिलेक्ट करना, ठीक है, उनको प्लेस करना, फिर उनका ओरिएंटेशन कि भैया आप लोगों ने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है स्पोर्ट्स का, अभी स्कूल लेवल को छोड़ दो, अब आप स्पोर्ट्स लेवल पे पहुंचो, सोचो कोई बैडमिंटन का टूर्नामेंट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके लिए जो भी स्टाफ अपॉइंट करा गया उनको पहले ट्रेन किया जाए कि हमें ये आउटकम चाहिए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन मतलब ट्रेनिंग, सो दैट स्टाफ को भी पता हो क्या काम कैसे होगा, ठीक है। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है एक लीडर चूज करना। देखो
इतनी सारी कमेटियां बना दोगे ना, तो एक जाना चाहिए डायरेक्ट करने के लिए जो उन सभी कमेटीज के काम पे निगरानी रखेगा। कल को ऐसा ना हो कि हर कोई ने अपना कोई 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 जो काम है उसको लीव कर दिया और एट द एंड जो है स्पोर्ट्स इवेंट वाले दिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो डायरेक्टर का काम होता है वो हर एक कमेटी के पास जाएगा, वो जो है ग्राउंड वाली कमेटी के पास जाएगा, वो जाएगा फर्स्ट एड कमेटी के पास, वो पूछेगा उनसे डेकोरेशन कमेटी से कि उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो वो डायरेक्टर के पास जाएंगे। डायरेक्टर इज अ काइंड ऑफ अ लीडर। डायरेक्टर जैसे घर में जब शादी होती है तो दादाजी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कुछ काम करे ना करे बट हाँ कंट्रोल सब करते हैं, उन्हें पता होता है क्या काम कैसे होना है। और कोई दिक्कत आती हो तो सबसे पहले घर के बड़े पे लोग जाते हैं ना पूछने कि ये प्रॉब्लम आ गई आप सॉल्व करो। तो डायरेक्टर का काम यही होता है। डायरेक्टर पर्सनल इज अ लीडरशिप क्वालिटी वाला एक इंसान को हम डायरेक्टर बनाते हैं। जो डायरेक्टर बनता है वो सब चीज़ों को सुपरवाइज करता है, इवन जो डायरेक्टर है ना मोटिवेट भी करता है। जैसे कि कोई गलती हो गई किसी से तो डायरेक्टर क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा अरे तुमने क्या कर दिया ये वो। अगर टीम मेंबर्स या कमेटी मेंबर्स अगर डर जाए कि ये चीज़ जो है डिले हो गई है तो डायरेक्टर जाके मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं हम अच्छे से अभी भी इस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। तो डायरेक्टर इज लाइक अ लीडर जिसको आप हर प्रॉब्लम में जाके उससे सॉल्यूशन मांग सकते हो। और वो लीडर उसका काम ये भी है कि सब काम टाइम पे हो जाए, उसकी जिम्मेवारी है वो देखना। ठीक है, अब डायरेक्टिंग के बाद आता है लास्ट में कंट्रोलिंग एंड दिस इज इन कॉम्बिनेशन विद डायरेक्टिंग। डायरेक्टर का काम ये होता है कि वो देखे कि सब कुछ कंट्रोल में रहे। तो कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। अगर ये नहीं होगा कंट्रोलिंग तो स्पोर्ट्स इवेंट ढंग के तरीके से बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता। अब भाई अब इतने बड़े लेवल पे कभी ओलंपिक हो रहा है, कभी कॉमनवेल्थ हो रहा है, कभी जो है जो हमारा वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, तो उसमें कंट्रोलिंग बहुत तरीके से की जाती है कि ऐसा ना हो एंड मोमेंट पे आके किसी चीज़ में कमी रह जाए। एंड मोमेंट पे भैया जो है डेकोरेशन ग्राउंड की सही से ना हुई हो, एंड मोमेंट पे ऐसा ना हो कि लाइव जाना है मैच को और लाइव ना आ रहा हो लोगों के पास घरों पे मैच, तो कोई जो है कमी एंड मोमेंट पे ना रह जाए। तो उसके लिए कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि इस स्टैंडर्ड का हमें रिजल्ट देखना है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सब कुछ एनालाइज करना, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसी समय पे रिक्वायर्ड एक्शन लेना, ये होता है कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग इस डायरेक्टर जो है बेसिकली कंट्रोल करता है। डायरेक्टिंग में तो डायरेक्टर का काम है ना, डबल डायरेक्टर का काम क्या है, कंट्रोलिंग करना। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो कंट्रोलिंग रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए क्या क्या फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये ऐसा फ्लो चार्ट में बना के या फिर आप जो है सर डायग्राम बना के जरूर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मेंशन करना, यू विल गेन मार्क्स। ठीक है, अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज। अभी कोई भी जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराना होता है तो उसके लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 6-7 कमेटीज के रोल के बारे में, वो आपको बताना होगा। लॉन्ग में भी आ सकता है, MCQ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपको काम बता दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये किस कमेटी का काम है। तो यू हैव टू लर्न नंबर ऑफ कमेटीज। बहुत सारी कमेटीज होती है, जैसे कुछ मैंने यहां मेंशन कर दिया। जैसे सबसे पहले टेक्निकल कमेटी, भाई टेक्निकल कमेटी पे ना एग्जाम में MCQ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स एग्जाम में, इसलिए मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया। तो दिस इज जस्ट रीडिंग पार्ट, रीड करो समझो, लर्न नहीं करना है, रट्टे नहीं मारने, अपने आप समझ जाओगे, इतना सिंपल है। तो टेक्निकल कमेटी का काम क्या है कि भैया सबसे पहले तो ये वेरियस ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करते हैं, रेफरी कौन होगा, टेक्निकल वर्क जो होता है ना। अब इसमें वो वाला टेक्निकल वर्क मत समझो कि तारे फिक्स करनी और वो TV पे ब्रॉडकास्ट कैसे हो, वो नहीं। टेक्निकल मतलब कि भाई इवेंट टेक्निकली प्रॉपरली परफॉर्म हो, उसके लिए टेक्निकल कमेटी का ये काम होता है कि वो सारी लोगों को स्पेसिफिकली अच्छे से अपॉइंट करेगी। ठीक है, रेफरी बनाना, जज बनाना और एम्पायर बनाना, टाइम कीपर्स को जो है चेक करना, उन लोगों को जो है सिलेक्ट करने का काम जो है टेक्निकल कमेटी का होता है। तो ये याद रखना टेक्निकल कमेटी का काम। ठीक है, फिर आगे भाई हमारी ट्रांसपोर्टिंग कम्युनिटी का काम खुद सोचो कि भाई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, अगर प्लेयर्स को ग्राउंड तक ले जाना है, ग्राउंड से उनके जो है घर तक ले जाना है, जहाँ पे भी हाउसिंग होगा उनका, जहाँ पे होटल में भी रुके हैं वहाँ तक, और सिर्फ प्लेयर नहीं, प्लेयर के साथ जितना स्टाफ है, जो भी लोग रिक्वायर्ड है ग्राउंड तक जाने में, ग्राउंड से वापस होटल में या फिर जहाँ पे भी वो लोग रुके हुए आने जाने के लिए, इक्विपमेंट्स, भाई फुटबॉल है तो फुटबॉल, क्रिकेट बैट्स है तो बैट, कोई भी इक्विपमेंट जो है जाना है अगर ग्राउंड तक जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट मैनेज कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग वेट करें भैया बस आ जाए, गाड़ी आ जाए और
आ ही नहीं रही है, तो ये ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है कि वो पहले से सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। रिसेप्शन कमेटी, अब रिसेप्शन कमेटी का काम क्या होता है, द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट, जो बड़े बड़े चीफ गेस्ट होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनको वेलकम करना। बेसिकली जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, डांस होता है, बढ़िया सा गाने बजाने होते हैं, तो वो एक ओपनिंग इवेंट करवाना, एक क्लोजिंग इवेंट कराना, अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो काम होता है रिसेप्शन कमेटी का, कि भाई अवार्ड्स देना एंड ये सब का काम है रिसेप्शन कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का क्या होता है, नेसेसरी अरेंजमेंट करवाना अकोमोडेशन के लिए और मील्स वगैरह भी टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स पीपल को और जो वहाँ पे ऑफिशियल है, स्टाफ है, उनको पहुँचते रहे वो काम। अब भाई जो कौन से होटल में रुकेंगे या फिर कौन सा गेस्ट हाउस में रुका जाएगा वो कौन सोचेगा, तो वो सोचने का काम है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का, ठीक है। और भी कुछ कमेटी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने इस वाले टॉपिक में पूरी इंक्लूड कर दिया, एक बार रीड करनी बहुत ज़रूरी है, समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, ग्राउंड और इक्विपमेंट मतलब ये ग्राउंड की चेकिंग करेंगे कि भैया जो है मैदान साफ है, ऐसा ना हो उसमें गड्ढे हो, गड्ढों में पानी भर रखा हो, और ऐसा ना हो कि भैया इक्विपमेंट ही अवेलेबल ना हो ठीक तरीके से, तो ग्राउंड को सही रखना और सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल हो, वो ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी का काम है। मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी, इनकी ज़रूरत आपको पता है ना, जब भी कभी हमारी किसी प्लेयर जो है इंजर्ड हो जाते हैं, हम इतना डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा और हम उनके लिए बहुत परेशान होते हैं, तभी आप देखते हो कि एकदम से मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी से डॉक्टर्स आते हैं, पूरा अपना फर्स्ट एड किट लेके, बैग लेके, एंड वो हमारे प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं सो दैट वो आगे कंटिन्यू कर पाए और उनको मतलब उनको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो काम किसका है भाई, मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी का। दिस कमेटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू पार्टिसिपेंट्स राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मतलब ऑन द स्पॉट, कि अगर चोट लगी है तो उन्हें जल्दी से जाके देखा जाए, ठीक है। पब्लिसिटी कमेटी, अब ये बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये कमेटी का काम है कि वो प्रेस में जाके अपने इवेंट की पब्लिसिटी करवाए, जैसे ऐड वैड आते हैं ना टीवी पे, गाने बन जाते हैं और आप देखते हो, आप मोबाइल खोलोगे तो आपको ऐड दिख रहा है कि ये वाला स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, ये पब्लिसिटी कमेटी का काम है प्रेस में जाके बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फाइनेंस कमेटी, अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है भाई, खर्चा भी तो कितना होगा इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज, तो उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना कि कौन स्पॉन्सर करेगा, फंड्स जेनरेट करना और कैसे खर्चा कितना कहाँ पे होगा वो सब फाइनेंस कमेटी देखती है। बजट बनाना, कितने एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, क्या क्या आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा आएगा कहाँ से, ये सब फाइनेंशियल कमेटी का काम। लास्ट में रिफ्रेशमेंट कमेटी, जो पेट पूजा का ध्यान रखती है सभी लोगों की, ठीक है। अभी जो है ये कमेटी तो आपने पढ़ ली, अब आपको एग्जाम में ना एक चीज़ और पूछी जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई भी टूर्नामेंट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक होती है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टूर्नामेंट से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वो सब यही चीज़ें हैं, यही मेंशन करना है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक होता है पोस्ट टूर्नामेंट, कि टूर्नामेंट के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ जस्ट रीडिंग पोर्शन, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, मैंने 5-5 लाइन्स मेंशन कर दिया है, जस्ट रीड इट, दैट विल बी इनफ। ओके गाइस, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या, मैचेस जो हम देखते हैं इतने खुश होकर, जो मैच होते हैं प्लेयर्स के बीच में, टीम्स के बीच में, विनर को डिसाइड करने के लिए, उसे ही कहते हैं टूर्नामेंट। अब ये जो मैंने हिंदी में बताई इसे इंग्लिश में लिख देना, हो गई टूर्नामेंट की डेफिनेशन। टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम और मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर्स और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर, इसे वो कहते हैं टूर्नामेंट। जैसे बहुत सारे टीम्स के बीच में मैच हुआ, वर्ल्ड कप का विनर डिसाइड करना, वो टूर्नामेंट हो गया, सिंपल, ये होता है हमारा टूर्नामेंट, ठीक है। अब टूर्नामेंट कराए क्यों जाते हैं ये इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट, इनका रीज़न क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है टूर्नामेंट करवाने की, ठीक है। गेम है तो गेम को खेलते रहो, बैडमिंटन खेलो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, ये टूर्नामेंट करवाने का क्या जरिया है, क्यों कराए जाते हैं, तो गाइस इनके पीछे छुपा है इनका बहुत इम्पॉर्टेंस, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो टूर्नामेंट कराए क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले इट इनकल्केट्स डिसिप्लिन आ जाता है टूर्नामेंट्स के होने से। नेक्स्ट, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो दूसरे स्पोर्ट्समैन से मिलते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे फ्रेंडशिप इंक्रीज होती है, एंड और भी मीटिंग जब होती है आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है, कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, इट्स इंपॉर्टेंट। लर्न्स एथिकल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हम सीखते हैं जब भी हम कोई गेम देखते हैं, हम भी स्पोर्ट्समैन भी जब भी कोई मैच में कोई जाता है तो वो देखते हैं कि फेयर प्ले कैसे होना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बाकी लोगों को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हम लोगों को इतना रिक्रिएशन, हमारी बोरियत भरी जिंदगी
और हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सिर्फ रिक्रिएशन ही हम देखते हैं कि हमारे जो जितने भी प्लेयर्स को हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, वो कितनी अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं जीतने के लिए। तो वो हमें भी एक तरीके से मोटिवेशन देता है दैट वॉट एवर वी डू इन लाइफ, हमें उतना ही हार्डवर्क, उतने ही अच्छे तरीके से जो है अपने लिए जो भी हमारे लाइफ का जो टूर्नामेंट हो हमें उसका विनर बनना चाहिए। सेकेंड रिक्रिएशन हमारी बोरिंग लाइफ अगर कभी हो जाए और जैसे ही पता चल जाए कि भैया वर्ल्ड कप आने वाला है या कोई भी कोई इवेंट आने वाला है तो कहीं ना कहीं इतनी एक्साइटमेंट, अभी जब वर्ल्ड कप के डेज थे खुद सोचो कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी, मतलब बिल्कुल हर थोड़ी देर बाद लगता था भाई किस दिन मैच है, किस दिन मैच है, टीवी लगा के बैठे हैं, चिप्स लाए एंड इन्जॉय करना फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। तो ये इवेंट से जो है इतनी ज़्यादा रिक्रिएशन भी होती है। तो ये सिंपल इंपॉर्टेंस है टूर्नामेंट की, ठीक है। अब टूर्नामेंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो तीन टाइप के बेसिकली टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला टूर्नामेंट होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, जो हार गया सो हार गया, इसको मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है, जो हार गया सो हार गया, ठीक है। लीग और राउंड रॉबिन, इसमें एक दो चांसेस मिलती हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन, ये लीग और नॉकआउट का कॉम्बो होता है, सिंपल, जैसे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का कॉम्बो होता है वैसे ही कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में लीग और नॉकआउट के कॉम्बो बना देते हैं। चलो पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये टूर्नामेंट। तो सबसे पहले नॉकआउट का टूर्नामेंट, मतलब एक बार जो टीम हार गई वो हार गई मैच से बाहर, टूर्नामेंट से बाहर। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि भाई टीम ए और टीम बी के बीच में नॉकआउट मैच है, तो नॉकआउट मैच मतलब अगर टीम बी हार गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर है और टीम ए विनर बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि टीम बी को टाइम मिलेगा, चांस मिलेगी टीम सी के साथ मैच करने पे, नहीं। नॉकआउट टूर्नामेंट में दो जन के बीच में मैच होगा, जो हारा सो हारा, ठीक है। ये होता है सिंपल नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट की एडवांटेजेस क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव होता है भाई, एक इवेंट जगह ढूंढ के वहाँ पे मैच कराया, ठीक है, जो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, ये ज़्यादा खर्चा इनमें नहीं होता, रिक्वायर्स लेस टाइम। सेकेंड यही आ गया ना, नॉकआउट टूर्नामेंट में खर्चा कम इसलिए होता है क्योंकि भाई आपने कोई ग्राउंड बुक कराए, नॉकआउट टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाते हैं, एक दो हफ्ते में 15 दिन में एंड हो जाएंगे, कम से कम एक डेढ़ हफ्ते में एंड हो जाएंगे, ये तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अब लीग मैचेस तो इतने लंबे लंबे समय तक चलते रहते हैं तो इसलिए उनमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रांग टीम एमर्जेस अ विनर, जो टीम सबसे स्ट्रांग होती है ना, मतलब कि भाई सामने मैच हुआ फर्स्ट चांस में जो जीत गए वो स्ट्रांग ही है तो वो विनर बन जाती है। टायर्डनेस कम होती है, वरना प्लेयर्स के लिए ना थोड़ी टायर्डनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत लंबे नहीं चलते कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक, दो महीने तक टूर्नामेंट चल रहा है, नहीं, जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो लेस टायर्डनेस फॉर प्लेयर्स। स्पेक्टेटर का इंटरेस्ट बहुत अभी होता है, जब भी आप देखते हो कभी हमारे यहाँ पे नॉकआउट मैच होते हैं ना किसी भी टीम का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया पाकिस्तान का, जो नॉकआउट मैच के लिए हम सारे ऐसे होते हैं कि भाई हार गए तो मतलब बिल्कुल हार है, तो हम पूरा ऐसे स्पेक्टेटर्स हाई इंटरेस्ट से देखते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस नॉकआउट को क्या होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बैड डे की वजह से, सपोज करो बुरा दिन था, उस वजह से एक गुड टीम एलिमिनेट हो सकती है, कि सपोज करो टीम बहुत बढ़िया है, टीम में बहुत कैपेबिलिटी है, बाई चांस उस दिन कुछ हो गया ऐसा कि वो हार गए तो वो तो हार गए ना, निकल गए ना फिर टूर्नामेंट से, उन्हें चांस तो सेकंड नहीं मिलेगा, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। गुड सिलेक्शन ऑफ प्लेयर इज़ वेरी टफ, अब इसमें गुड सिलेक्शन ऑफ प्लेयर चाहिए कि वो ऑन द स्पॉट बढ़िया परफॉर्म करे तो काफ़ी टफ हो जाता है। हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर, प्लेयर बहुत स्ट्रेस पे रहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट कि भाई हार गए तो बाहर है, तो इसीलिए, और स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट इतना हाई होता है तो उन पर बहुत प्रेशर बिल्ड होता है कि हाँ भाई जीतना है जीतना है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के बाद सेकंड कौन सा होता है, लीग। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब ये जो लीग टूर्नामेंट होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ना मैचेस जो होते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ मैचेस होते हैं, ठीक है, फिक्स ना, जैसे 15 मैच होंगे, 16 मैच होंगे और टीम्स होती हैं उसमें खेलती है। अभी अगर एक टीम अगर हार जाती है तो उसको टूर्नामेंट से आउट नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। जो टीम हार जाती है उसको कोई पॉइंट नहीं मिलता, जो टीम जीत जाती है उसे एक पॉइंट मिल जाएगा, जो भी पॉइंट मिलेंगे। फिर जो हारी हुई टीम है वो दूसरे टीम के साथ मैच करेगी, उनमें से जो जीतेगा उसको पॉइंट मिलेंगे। एट द एंड ऑफ टूर्नामेंट जिसके ज़्यादा पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनको हम विनर घोषित करते हैं, ठीक है, वही आगे तक बढ़ के जाते हैं और फिर उनको घोषित करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन बन जाता है इनका लीग और नॉकआउट का, कि पहले स्टार्टिंग में तो लीग मैचेस चलते हैं कि जो हार रहा है फिर उसका दूसरी टीम से मैच होगा, बाद में क्या होता है एंड में जिन दो टीम्स के सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं उनके बीच में नॉकआउट मैच कराया जाता है कि भैया ये हार जाएंगे, ठीक है, जो हार जाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो राउंड रॉबिन या लीग टूर्नामेंट क्या होता है एक बार रीड कर लेते हैं गाइस इसको, ठीक है। इन लीग
और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट अ पेयर और टीम विल प्ले द मैचेस दैट आर अलॉटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट. उनको टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले बताता है ये मैच होना है, ये मैच होना है, ये मैच होना है. फिक्स नंबर ऑफ मैचेस आर गिवन टू प्लेयर्स एंड टीम्स. ठीक है, प्लेयर्स एंड टीम्स विल गेट इक्वल चांस टू प्ले. इक्वल चांस सबको मिलता है प्ले करने के लिए. दस द ट्रू विनर इमर्जेस. इसमें ट्रू विनर इमर्ज होता है. रैंकिंग करी जाती है पॉइंट्स के बेसिस पे. ठीक है, अब ये वाला जो है, ये वाले जो सिस्टम होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. ट्रू विनर इमर्ज होता है कि भैया जो लगातार इतने सारे मैचेस में जीतता हुआ आता है, ठीक है, कभी हारा कभी जीता जो भी है, एट द एंड ट्रू विनर इमर्ज होता है. द टीम कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का, अरे आज गलती होगी तो कल के मैच में ही गलती ना हो. स्किल्ड सिलेक्शन हो जाता है. प्लेयर्स का इंटरेस्ट रिमेन रहता है. प्लेयर्स को इंटरेस्टेड रहती है वो कि ठीक है आके हमारे पे एक और चांस है. डिसएडवांटेजेस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, बहुत बड़े बड़े अरेंजमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. कई बार स्पेक्टेटर्स का लूज इंटरेस्ट हो जाता है. जब इतने सारे मैचेस चलते रहते हैं ना तो कहते हैं अरे कोई नहीं, एक मैच छोड़ भी दिया तो चलो अगला वाला देख लेंगे. तो स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, भाई ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, तो थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा उनका डिक्रीज हो जाता है. डीमोरलाइज वीक टीम्स ड्यू टू रिपीटेड. अब कोई टीम ऐसी है जो बार बार हारे जा रही है, उसको पॉइंट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी उसे अगला मैच खेलना पड़ेगा, इसमें भी हार गए फिर अगले से खेलना पड़ेगा, तो जब वो बार बार हारेंगे तो उनको डिमोटिवेट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये इसके सिंपल डिसएडवांटेजेस है. अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन. जो मैंने आपको कहा ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज इन ग्रुप्स और जोनल लेवल. ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं ना, ये ग्रुप्स में होते हैं, छः टीम पांच टीम के बीच में, इतनी कम टीम्स के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं. जब ज़्यादा नंबर ऑफ टीम्स होती हैं या जोनल लेवल पे कि भैया स्टेट्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, कि ये यूपी, ये पंजाब हो गया, ठीक है, ये आप मान लो केरला हो गया, और ये आप मान लो हमने कहा है कि हरियाणा हो गया. अब यहाँ से हमने सोचा कि ये इनमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बनेगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसमें जोन हो जाते हैं कि भाई यूपी में भी कोई एक टीम थोड़ी होगी, कितने सारे लोग खेलते होंगे, तो यूपी में जोनल टूर्नामेंट कराया, फिर पंजाब में जोनल लेवल पर टूर्नामेंट कराया, केरला में जोनल लेवल पर टूर्नामेंट कराया, हरियाणा में जोनल लेवल पर टूर्नामेंट. फिर इनके जो विनर्स बन के आए, यूपी से जो जीत के आएंगे, पंजाब से जो जीत के आएंगे, हरियाणा से जो जीत के आए, केरला से जो टीम्स जीत के आई, फिर उनके बीच में मैच कराया जाए. तो जोनल लेवल पर जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराए जाते हैं कि भैया हमने कहा चार स्टेट्स के बीच में होगा, तो पहले चारों स्टेट में जोनल लेवल पे कॉम्पिटिशन हुए, जो चार स्टेट्स की सबसे बढ़िया टीमें होंगी, फिर वो आगे आके अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए फिर वो मैच करेंगी. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है और बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है ये जोन लेवल पे कराए जाते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अलग अलग स्टेट्स का, अब हम सिंपल जोन का ABCD वाला एग्जांपल लेके समझते हैं. मैंने कहा है ये जोन ए है, ये जोन बी है, ये जोन सी है, ये जोन डी है. ठीक है, सब जोन्स में चार टीमें हैं. ठीक है, तो ये हो गया ZA1, ZA2, ZA3, ZA4. इसका मतलब क्या हुआ, ये जोन वन, जोन ए जो है उसकी फर्स्ट टीम जोन ए की, सेकंड टीम जोन ए की, थर्ड टीम, ठीक है, ऐसी ही ये ZB1, ZB2, ZB3, ZB4. सिंपल समझ लो, ये ZC1, ZC2, ZC3, ZC4, ZD1, ZD2, ZD3 एंड ZD4. ठीक है, ये समझ लो तभी समझ में आएगा. अब हमने क्या कहा कि ये जोन्स में, पहले ये चारों जो जोन्स हैं इनकी टीमें आपस में लड़ेंगी. जैसे जोन ए की चारों टीमें आपस में लड़ेंगी, जोन बी की चारों टीमें आपस में लड़ेंगी, मतलब सॉरी मैच करेंगी, लड़ेंगी नहीं भूलेंगे, मैच करेंगी. जेड सी की चारों टीमें आपस में मैच करेंगी, जेड डी की चारों टीमें आपस में मैचेस करेंगी. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, सबसे पहले जोन्स डिसाइड करे जाते हैं. ठीक है, और फिर ये जोन्स की सभी टीमें आपस में मैचेस करती है. जैसे जेड ए जो जोन है उसकी चार टीम आपस में मैच करेगी, जोन बी की मैच करेंगी, और फिर इन में से जो भी विनर आया, सपोज 16 में से चार हमारे पास बची हैं, तो फिर आगे डिसाइड होता है इन चारों के बीच में कैसा मैच होगा. ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. अब इस कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में अलग अलग हिसाब से होता है कि किसी में जोनल लेवल पे नॉकआउट मैच होगा, और बाद में जो है जब रियल वाला मैच होगा वो भी नॉकआउट हुआ. नॉकआउट पता ना कि ये चार टीमें खेलेंगी, जो हार गया सो हार गया. अब कुछ में लीग होता है कि भैया जोन लेवल पे भी लीग में, ये काफ़ी लंबा खिंच जाएगा ये वाला गेम, तो ठीक है जोनल लेवल पे भी लीग मैच हो रहा है, फिर जो ये चार टीमें जीत के आएंगी इनके बीच में भी लीग मैच हो रहा है. फिर एक ऐसा होता है नॉकआउट कम लीग. ठीक है, मतलब कि जोन लेवल पे तो नॉकआउट होगा कि ये जो चार टीमें आपस में खेलेंगी तब अपने अपने जोन्स में, वो तो नॉकआउट कर रही होंगी, और बाद
में लीग सिस्टम चलेगा या फिर जोनल लेवल पे लीग सिस्टम चला। लीग वाला क्या, जिसमें हारो तो पॉइंट मिल जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट वो जीतता है, और नॉकआउट मतलब सीधा बाहर हो जाओगे। पहले जोनल लेवल पे तो लीग मैचेस हुए और नॉकआउट हुआ अपना फाइनल लेवल पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, फर्स्ट इज़ द जोनल लेवल, सेकेंड इज़ द फाइनल लेवल, ठीक है। तो जोनल लेवल पे से टीम्स आती है और जो जोनल लेवल की फाइनल चार टीमें हो, पांच हो, छह हो, जो भी हो, वो आपस में कम्पीट करती है। अब अपनी मर्जी है, आप नॉकआउट कम नॉकआउट कराओ कि जोनल पे भी नॉकआउट, इस पे भी नॉकआउट, या फिर पहले लीग करा लो बाद में वो करा लो। तो ये इसका मतलब है, ये जो लिखा है नॉकआउट कम, इनका मतलब है जो पहले लिखा है वो जोनल में हो रहा है, जो बाद में हो रहा है वो फाइनल मैच है, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें समझनी है कि ये सब टीम्स में कितने प्लेयर जाएंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन सा किसके साथ कब मैच होगा, ये होता है फिक्स्चर्स बना के। अब जो फिक्स्चर्स वाला टॉपिक है उसमें हमें बाय पढ़ना है, सीडिंग पढ़ना है, स्टीयर केस मेथड, साइक्लिक मेथड, टेबुलर मेथड, कि वो पॉइंट मिलते हैं ना तो वो पॉइंट वाली टीम्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत समझना होता है, तो इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके आप फिक्स्चर्स समझोगे, ठीक है। यही वाली जो वीडियो होगी जो हम दो पार्ट में क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये अलग से बनाया गया है और इसको बहुत ध्यान से समझना। बाकी तो जो थ्योरी पोर्शन है वो सारा हम इसी वाले में कवर कर रहे हैं, तो अभी वो वाली वीडियो को आप देख लेना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये जो है हमारा फिक्स्चर्स वाला टॉपिक की अलग वीडियो, अब वापस से जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसे पढ़ते हैं। अब पढ़ना इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल, बहुत ईजी है, इसमें कुछ लर्न करना है आपको, थोड़ी बहुत तीन चार चीज़ें, इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन, इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, देखो ये जो है डिराइव करा गया लैटिन वर्ड से इंट्रामुरल, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है जो है विद इन, एंड मुरालिस्ट मतलब होता है वॉल। तो इसका मतलब है जब भी कोई एक्टिविटी, जैसे कोई स्पोर्ट्स डे हो रहा है या फिर कोई भी इवेंट विद इन द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामुरल एक्टिविटी। जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस में एंगेज करवाया हमने एक टूर्नामेंट, और उसमें बैडमिंटन का टूर्नामेंट एक ऑफिस ने करवाया कि उनके सारे जितने भी ऑफिस में जितने भी काम करते हैं लोग, ठीक है, सारा स्टाफ जो है वो सैटरडे को बैडमिंटन है, उसको आज काम नहीं करना, बैडमिंटन कंपटीशन है, सब अपना जो है गेम खेलेंगे, ठीक है। तो एक ऑफिस के अंदर हो रहा है ये, या फिर हमने कहा कि स्पोर्ट्स डे है ABC पब्लिक स्कूल का, सारे बच्चे स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये क्या होता है, ये इंट्रामुरल है कि विद इन द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी एक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ इनको कहा जाता है। ऐसा हम स्कूल में हर साल होता है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे होता है और सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, सब बच्चे खेलते हैं। जैसे इंट्रामुरल डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं कि अपने स्कूल में बच्चों के बीच में डिबेट्स कराई जाती हैं। तो जब भी कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कराया जाए, उनके लोगों के बीच में ही, बाहर से लोग ना आए, जज भी अपने स्कूल के लोग ही बनेंगे, प्रिंसिपल बन गए, जज टीचर्स बन गए, HOD बन गए, जज भी अपने, रेफरी भी अपना, एम्पायर भी अपना, प्लेयर्स भी अपने, जब एक इंस्टीट्यूशन के होंगे तो उसको हम इंट्रामुरल कहते हैं। विद इन द कैंपस, जब भी कोई टूर्नामेंट विद इन द कैंपस कराया जाता है उसको हम कहते हैं हमारा इंट्रामुरल। इसके एग्जांपल में क्या आते हैं, ये वाले इवेंट जैसे कि स्पोर्ट्स डे जो हर साल हमारे स्कूल में होता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया जाता है, 1.5 हफ्ते तक पूरा स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं, तक टूर्नामेंट चल रहे होते हैं सारे, 5th to 12th तक के बच्चे पार्टिसिपेट, फर्स्ट वालों का अलग चल रहा है, ठीक है। या फिर जो है एथलेटिक मीट, इन स्कूलों में एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज होती है, स्विमिंग मीट की भैया स्विमिंग कंपटीशन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है स्कूल में, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, हर स्कूल में जितने बच्चे हैं 5th to 8th तक के, 12th तक के, वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने स्कूल के पास, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामुरल। अब ये इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन कराने का फ़ायदा क्या होता है, वाई इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन कराया जाता है, तो इससे देखो अपॉर्चुनिटी मिलती है हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने की, जो चाहता है कि हाँ मैं गेम खेलूं सिर्फ, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वैसे तो सारे पीरियड चल रहे हैं ना इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद को एक्सप्लोर कर पाए, और अगर उनमें टैलेंट है तो वो टैलेंट दिखा पाए और उसे और अच्छे से बिल्ड कर पाए, ठीक है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, बच्चों की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, ठीक है। डेवलप फीलिंग ऑफ कॉपरेशन अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट जो बाकी अपने फेलो हैं, क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ कॉपरेशन करना सीखते हैं। रिक्रिएशन, अब भाई पढ़ाई 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 करते रहते हैं, स्पोर्ट्स जो आता है तो देखा है कितने मज़े आते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स जो होता है, तो रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट होता है। डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन, जिन बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट है
तो वो नर्चर होता है, वो बिल्ड होता है जब भी स्कूल में ऐसा कोई इवेंट होता है, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मिलती है उस बच्चे को जिसमें स्पोर्ट्स का टैलेंट है, चाहे वो पढ़ाई में शायद थोड़ा कम अच्छा हो बट उसमें स्पोर्ट्स का टैलेंट है। भाई हमें कैसे पता चलेगा, जब स्कूल में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है और उसको इतने सारे मेडल मिलते हैं तो हमें पता चलता है इसमें ये टैलेंट है, और उनको समझ आता है कि कल को वो फ्यूचर में इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन, अब ऑर्गेनाइजिंग करने का कॉम्पिटिशन एक हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम कोई ऑर्गेनाइज करें इवेंट। फाइंड आउट टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका है स्कूलों में जो है ऑर्गेनाइज कराना स्पोर्ट्स डे, ठीक है। अब होता है एक्स्ट्रा मोरल, एक्स्ट्रा मोरल इसका बस उल्टा होगा, एक्स्ट्रा मतलब जो होता है आउटसाइड और जो है वॉल मतलब तो वही है, मोरालिस मतलब तो वही है वॉल। तो इसमें क्या होता है आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक स्कूल के कम में स्पोर्ट्स डे नहीं होगा, चार पांच स्कूलों जो है आपस में मिल जाएंगे और उन सबके बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स डे कम, एक ऑफिस नहीं है, चार पांच MNCO ने एक ग्राउंड बुक कर लिया और सबकी टीमें बन गई और सब आपस में मैच करा रहे हैं। इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा मोरलिस्ट कॉम्पिटिशन, जैसे कि चार पाँच कॉलोनियाँ हैं, एक पूरी एक शहर है ना उसकी छः कॉलोनी, छः कॉलोनी से छः टीम बन गई, जब वो आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो ये होता है एक्स्ट्रा मोरलिस्ट, यानी कि आप सिर्फ अपने कम्फर्ट जोन में नहीं, अब तो वो तो घर के लोग लगते हैं ना इंट्रा मोरल, अपने स्कूल है तो भाई अपने स्कूल के ही बच्चे होते हैं, जब वो इंटर स्कूल वाला होता है ना, जब बाहर के स्कूल के बच्चे आते हैं भाई दूसरे स्कूल के बच्चे आएंगे, ठीक है, दूसरे स्कूल से भी जजेस बन के आएंगे, तो वो एक एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है, कंपटीशन की स्पिरिट तब अलग होती है, अपने भाई बहुत भाग लगने लगते हैं भाई ये इन्हें तो हराना है, तो वो एक्स्ट्रा मोरालिस्ट कंपटीशन भी ज़रूरी होते हैं। तो एक्स्ट्रा मोरालिस्ट कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड एंड मोरालिस्ट मतलब होता है वॉल्स, तो एक्स्ट्रा मोरालिस्ट कॉम्पिटिशन होते हैं जो अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर होते हैं। दिस कैन बी जोनल, जोनल लेवल पे कि ये जोन ये जोन ये जोन में, इंटर डिस्ट्रिक्ट के तुम्हारे शहर और दूसरे शहर, तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में, इंटर स्टेट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पंजाब हरियाणा और आप यूपी के बीच में कराओ तो ये इंटर स्टेट हो गया, चार तीन स्टेट के बीच की टीम जाके खेलेंगी, नेशनल टूर्नामेंट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये होते हैं एक्स्ट्रा मोरल। जैसे जो हमारी वर्ल्ड कप है, जो हमारा ओलंपिक गेम्स है, वो एक एक्स्ट्रा मोरालिस्ट टूर्नामेंट है, बहुत सारे इंटरनेशनल टीम्स जाके वहाँ पे प्ले करती हैं। तो जो एक्स्ट्रा मोरालिस्ट टूर्नामेंट है वो जोनल, रीजनल, स्टेट और नेशनल बेसिस पे कराए जाते हैं। ओके, अब ये एक्स्ट्रा मोरालिस्ट टूर्नामेंट कराए क्यों जाते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आएगी गाइज लिखने को अलग अलग, इंट्रा मोरल के अलग और एक्स्ट्रा मोरल के अलग, तो इसकी क्या है, बच्चों को एक्सपीरियंस, अपने जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अपना स्कूल अपना ही होता है ना, जब बाहर जाओगे बाकी बच्चों से कॉम्पीट करोगे, इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू नॉलेज, ठीक है, तो एक्सपीरियंस मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स और बढ़िया हो जाता है, तुम अपने स्कूल के बहुत बढ़िया प्लेयर थे, अब कल को तुम जब दूसरे स्कूल के बढ़िया प्लेयर से खेलोगे, साथ में उसके जो है कम्पीट करोगे, तो आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट, ब्रॉड हो जाता है बेस, स्पोर्ट्समैनशिप और बढ़ जाती है, ठीक है, नॉलेज और ज़्यादा मिलती है कि आप दूसरे कोचेस से भी कुछ सीख लोगे, सामने वाली टीम के कुछ आप उनकी ट्रिक्स सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा मोरालिस कॉम्पिटिशन करवाने चाहिए, ठीक है, कि और अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाओ, आपने अपने यहाँ तो कॉम्पिटिशन देख लिया, बाकी कॉम्पिटिशन देखने के लिए एक्स्ट्रा मोरालिस की ज़रूरत है। डेवलप फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर्स इंस्टीट्यूशन, अब सिर्फ ये नहीं कॉम्पिटिशन के लिए, भाई चार स्कूल हैं आपस में भाईचारा बढ़े उनमें, तो इसलिए जो है इंटर स्कूल ऐसे हम डिबेट और ये सब कॉम्पिटिशन करवाते रहते हैं स्पोर्ट्स डे, ठीक है। टू गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर चूजिंग अ करियर इन स्पोर्ट्स, अब अपने स्कूल में जीत जाते हो तो लगता है ऐसा ठीक है हाँ जीत गए, जब आप छः स्कूल के बीच में से एक विनर निकल के आते हो तो आपको आपकी घर वालों को पता चलेगा कि आप में भाई इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आपने इतने सारे लोगों को बीट करा है, तो कल को आपको वो प्रेरित करेंगे कि आप इसको अपना प्रोफेशन बनाओ, करियर बनाओ, ठीक है। प्रमोट सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, भाई सारे बच्चे मिलेंगे आपस में, ठीक है, और अगर स्टेट लेवल पे हो रहा है समझो आप, तो कल्चर आपस में मिलेंगे आप एक दूसरे कल्चर के लोग, इससे सोसाइटी का बहुत डेवलपमेंट होगा, एंड इसलिए एक्स्ट्रा मोरालिस कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हम इंपॉर्टेंस देखें इनकी, इंट्रा मोरल और एक्स्ट्रा मोरल जो टूर्नामेंट या कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं कि क्या ज़रूरत है वही इन्हें कराने की, तो सबसे पहले बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, या जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी स्पोर्ट्समैनशिप जो है बढ़ेगी, कोऑपरेटिव बिहेवियर रहेगा, लोगों के साथ जो है आप लोगों को कोऑपरेट करना आएगा, टीम टीम स्पिरिट बढ़ेगी, ठीक है।
और एक इनिशिएटिव भैया कि आप ये नहीं कि बस बैठे रहो, पढ़ रहे हो तो बस पढ़ते रहो ठीक है, या फिर यू आर जस्ट डूइंग योर, सिर्फ किसी ऑफिस में हो रहा है तो बस अपना काम करते, नहीं, आपको स्पोर्ट्स में एंगेज होने की, अपने आप को फिजिकली फिट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इंसान कहेगा चलो ठीक है, हाँ भाई मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग री एनफोर्स द कॉन्सेप्ट दैट विनिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। जब बच्चा कोई हारता है ना तो उस समय तो बुरा लगता है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि यस दिस इज लाइफ, दिस इज गेम, विनिंग एंड लूजिंग आर अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो हारने का समझ में आता है, जीत के कैसा लगता है ये समझ में आता है, और ये समझ में आता है कि लूजिंग मतलब ये नहीं है कि हाँ हार गए, नहीं, एक्सपीरियंसिस गेन करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डिटरमाइन पार्टिसिपेंट्स बाय इंटरेस्ट रैदर देन स्किल। ये समझ में आता है कि किस किस को इंटरेस्ट है, ठीक है, कौन इंटरेस्टेड है जो है पार्टिसिपेट करने में। लास्टली, अपॉर्चुनिटी मिलती है उन स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना, एंड जो अपने आप को खुद सोचते हैं, कई बच्चों को पता ही नहीं होता हाँ हम इस पर्टिकुलर गेम में अच्छे हैं, तो खुद को डिस्कवर करने का मौका मिलता है उन्हें कि उनके स्कूल में इंट्रा मोरल कॉम्पिटिशन हो या एक्स्ट्रा मोरल हो उनके थ्रू। अब कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या होता है? कम्युनिटी स्पोर्ट्स ना सिंपल एक तरीके का एक इनिशिएटिव होता है जो सोसाइटीज में लिया जाता है, स्कूलों ने लिया आप मान लो, या कुछ लोग मिलकर लेते हैं, सो दैट ना सोसाइटी को, कम्युनिटी को अवेयर करा जाए फिजिकली फिटनेस के बारे में, कि लोग ना सिर्फ ये ना सोचे कि हाँ भाई जिंदगी जो चल रही है चल रही है, नहीं, थोड़ा अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा हैप्पी हो, थोड़ा रिक्रिएशन हो, तो उसके लिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, ये स्कूल लेवल पे कराया जाता है, जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हो गए, ये सोसाइटी उसमें कराया जाता है कि सोसाइटी वालों ने मिलके जो है कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, उसमें लोगों को कहा है कि भाई यहाँ पे आपको खेलने आना है, तो उसकी ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत ये है कि लोग अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दें। हमारे रोज़मर्रा में हम दिनचर्या कैसे होता है, स्कूल जा रहे, घर आ रहे, काम कर रहे अपना, बड़े लोगों का ये है घर पे मम्मी का क्या है, खाना बना रही है, देन घर के काम कर रही है, कोई ऑफिस जा रहा है तो घर पे, ऑफिस जा रहे हैं लोग, घर आ रहे हैं, तो लाइफ में लोग अपने चलते रहते हैं। बट जब भी ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज क्यों कराया जाता है, जिससे कि जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें पता चले कि उन्हें अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट शुड बी हेल्ड एट रेजिडेंशियल सोसाइटीज में, विलेजेस में, सिटीज में, स्कूल्स में, वेयर पर्पज इज नॉट ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट स्किल। यहाँ पे ये नहीं है कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, स्किल कौन, नहीं, जिससे कि लोगों के बीच में जो है फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयरनेस बढ़े एंड कोऑपरेशन बढ़े। ठीक है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो होते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव नहीं होते, हार जीत के लिए नहीं होते हैं, ये इसलिए होते हैं सो दैट आपस में लोग जो है भाईचारा बढ़े, कॉपरेशन करना सीखे, और साथ ही के साथ में जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होता है इसका, दैट अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है स्पोर्ट्स डे, जो स्कूलों में ज़्यादातर ऑर्गेनाइज होता है, या फिर ऑफिस में भी हो सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। इससे स्पोर्ट्स डे में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी जो है स्किल्स को, अपने टैलेंट को शोकेस करने की, एक भी बच्चे को या जिस भी इंसान ने स्पोर्ट्स डे में पार्ट लिया। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29th ऑफ अगस्त को एवरी ईयर फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ठीक है, जो हॉकी विजर्ड कहा जाता है जिन्हें, तो जैसे हमारे स्कूल में होता है ना एनुअल स्पोर्ट्स डे वगैरह, तो ये स्पोर्ट्स डे एक कम्युनिटी स्पोर्ट्स का हिस्सा है। स्पोर्ट्स डे सिर्फ इसलिए नहीं होता कि देखे कौन से बच्चे को बैडमिंटन अच्छा आता है, क्रिकेट अच्छा आता है, कौन अच्छा भाग लेता है, नहीं, ये देखा जाता है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बिल्डअप हो और हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे और सब फन करे, सब रिक्रिएट करे, इसलिए स्पोर्ट्स डे क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर हेल्थ रन। ठीक है, ये होता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स में हेल्थ रन। हेल्थ रन क्यों कराए जाते हैं, इसका पर्पस ये नहीं है कि कौन ज़्यादा भाग के जीत जाए उसे मेडल मिलेगा, नहीं, हेल्थ रन दिस इज अ सच काइंड ऑफ अ रन जनरली कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग द हेल्थ। अब लोगों को अवेयर करो कि भैया हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए काफ़ी सारे सोसाइटी में, कोई कॉलोनी है उन्होंने हेल्थ रन ऑर्गेनाइज कराई, कोई NGO है उसने एक हेल्थ रन ऑर्गेनाइज करा दी कि लोग आएंगे, दौड़ेंगे, क्या कोई एक इवेंट उसके अंदर होगा, और उससे क्या होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखना है। इन दिस रन द पर्पस ऑफ रनर इज नॉट टू विन, इसमें विनिंग का कोई सीन नहीं होता है, बट पार्टिसिपेट करना, लोगों से मिलना, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, ये होता है हेल्थ रन। ठीक है, नेक्स्ट होता है रन फॉर फन। रन फॉर फन मतलब मस्ती करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, अपने आप को हैप्पी करने के लिए एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, दिस द पर्पस ऑफ दिस रन इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्टेइंग फिट एंड हेल्दी अमंग द मासेस। रन फॉर फन आप अपनी सोसाइटी में करवा लो, रन फॉर फन अपनी कॉलोनी में इकट्ठे करो, सारे बच्चों को, पूरे पेरेंट्स पेरेंट्स को मना के रन फॉर फन क्रिएट करवाओ, सो दैट सबको पता चले कि फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। समटाइम्स सच रेसेस में बी कंडक्टेड टू रेज फंड्स ऑल्सो। कई बार रन फॉर फन ना फंड इकट्ठा करने के लिए,
पैसा इकट्ठा, डोनेशन चैरिटी करने के लिए भी, कि रन फॉर फन है उसमें सब कुछ को डोनेट करेंगे उस कॉज के लिए, तो रन फॉर फन में डोनेशन वगैरह भी करी जाती है। इन स्कूल सच रेसेस अट्रैक्ट चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए रन फॉर फन स्कूल में होना चाहिए, कि बच्चे जो होते हैं ना जो थोड़ा धीरे भागते हैं तो उन्हें डर ना लगे यार हम हार जाएंगे फिर हम बुरा लगेगा, नहीं रन फॉर फन होगा तो एटलीस्ट उन्हें भागने का मौका तो मिलेगा बाकी बच्चों के साथ में, तो स्कूलों में होना चाहिए। दीज आर फ्रेंडली रेसेस एंड मे बी कंडक्टेड फॉर एनी एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप के लिए कंडक्ट हो सकती है, और रीज़न क्या है इसका, जिससे फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सच रेसेज आर लेमन एंड स्पून रेस, जैसे हमारे स्पोर्ट्स डे में एंड में होती है लेमन स्पून रेस, ठीक है, सैक रेस होती है, बोरे में पैर डाल के कूद कूद के जाना होता है, ठीक है, जो चिल्ड्रन पेरेंट्स टीचर सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाली रेसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स फॉर फन या फिर रन फॉर फन। अब नेक्स्ट आता है हमारा, दिस इज़ द सेकेंड लास्ट वन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। ये कई बार हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाती है कि एक मैराथन होगी, एक रन होगा किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए, जैसे कि आपको ना सोसाइटी को अवेयर करना है, जागरूक करना है किसी बात के लिए, तो आपने एक रन करी, जो भी लोग आपको देखेंगे वो आपका मैसेज सुनेंगे। जैसे हमने कहा सेव ट्रीज के लिए रन कर रहे हो आप, कि आपने कुछ लोगों को इकट्ठा करा, वो आपके साथ मान गए हैं रन करने के लिए, यानी कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो किस लिए कर रहे हैं, वो सो दैट जो वो टी शर्ट्स पहन लेंगे सेव ट्रीज वाली, एंड देन दे विल रन, जिससे कि सोसाइटी के पास ये मैसेज पहुंचे कि वी शुड सेव ट्रीज, ठीक है। और भी प्रमोटिंग ग्रीन एनवायरमेंट, क्लीनलीनेस से लेके कोई भी एक इशू के ऊपर, स्पेसिफिक कॉज के ऊपर रन करवाए जा सकते हैं। ऐसा हमारे इंडिया में होता है, बहुत जगहों पे होता है, आप देख सकते हो ये फोटो के थ्रू, कि कैसे जब ये लोग भागते हैं वो टी शर्ट्स पहन लेंगे, बैंड पहन लेंगे, ठीक है, साथ में पोस्टर्स लेके चलते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कॉज के लिए जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। हम स्पोर्ट्स के थ्रू भी किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए अवेयरनेस करा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कोई एक स्पेसिफिक कॉज के लिए आवाज़ उठाने का। कैसे उठाओ, आप चाहते हो कि लोग पानी बचाएं, लोग जो है पेड़ ना काटे, लोग क्लीनलीनेस करें, बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डाले, तो अपनी बात को ना जनता तक पहुँचाने के लिए आप रन फॉर फन, ये रन फॉर स्पेसिफिक कॉज भी करवा सकते हो, ठीक है। लास्ट इज़ द रन फॉर यूनिटी, ये हमारे यहाँ पे काफ़ी बार होता है, जैसे आजकल आप देख रहे हो यूनिटी, भाईचारा बढ़ाने के लिए पड़े, तो उसके लिए रन फॉर यूनिटी कराया जाता है, कि सब लोग आपस में, नो मैटर कौन से रिलीजन के, नो मैटर कौन से कास्ट के, आपस में चल के दे रन, एंड वो इस इशू को रेस करते हैं, दैट रन फॉर यूनिटी। होते हैं हमारे स्पेसिफिक कम्युनिटी स्पोर्ट्स, तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स में सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा है, स्पोर्ट्स डे जो स्कूलों में होता है, फिर हमने पढ़ा हेल्थ रन, जो जिसको क्यों कराया जाता है, एनजीओ वगैरह कराते हैं, जैसे लोगों को पता चले कि भैया अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस, एनीथिंग, ठीक है। रन फॉर फन, रिक्रिएशन के लिए रन करना, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, इसलिए ना कई बार ऐसा होता है कि कोई डोनेशन इकट्ठी करने के लिए भी जो है ये रन कराया जाता है, कि पर्टिकुलर कोई अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनके लिए एक रन कराया गया, उसमें जितनी भी डोनेशन आई वो वहाँ पे भेज दिया जाएगी, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अवेयरनेस बताने के लिए रन फॉर स्पेसिफिक कॉज कराया जाता है। और रन फॉर यूनिटी किस लिए है, रीड कर लो, इन सच टाइप ऑफ रन द पर्पस इज टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ इंटेग्रिटी ब्रदरहुड इन द कम्युनिटी, ठीक है, भाईचारा बढ़ाने के लिए कम्युनिटी के बीच में, रिलीजन के बीच में, स्टेट के बीच में ये कराया जाता है रन फॉर यूनिटी। सच इवेंट्स आर हेल्प टू डेवलप बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए। ओके गाइस, तो विद दिस हमारा चैप्टर वन कंप्लीट होता है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, फिजिकल एजुकेशन का फुल सिलेबस जो है मैंने पढ़ा दिया अपने चैनल पे, ठीक है, आप लोगों को फुल सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट अटैच कर रही हूँ जहाँ से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही के साथ में फिजिकल एजुकेशन में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं रिविजन करने के लिए, एक बार आपने वीडियो में से चैप्टर समझ लिया है, बट हमारे को जो है जब हम एनसीईआरटी में बहुत लेंदी वे में दे रखा होता है, तो एक शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही टू द पॉइंट सीबीएसई स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग नोट्स मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिए हैं। नोट्स अब मैं इंस्टाग्राम पे तो अभी इंस्टेंटली अपलोड करती रहूंगी सभी चैप्टर के साथ में, मैं कम्युनिटी पे भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सभी नोट्स को जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो देयर आर टू ऑप्शन जहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, पहला ऑप्शन है आपको जो है कम्युनिटी पे मेरे चैनल के मिल जाएंगे, उस सिलेबस मेरे चैनल को जाके चेक करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी जब मैं अपलोड करूंगी, कम्युनिटी की भी नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो आप या तो मेरे कम्युनिटी पे से चेक कर सकते हो, YouTube पे ही कम्युनिटी पे नोट्स जाके, और सेकंड इज द इंस्टाग्राम आईडी है मेरी सिमरन सहानी _ YT,
50, इस पे आपको मेरे जितने भी नोट्स होंगे इंस्टाग्राम पे आपको मैं अपलोड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके चेक कर लो ठीक है वहाँ पे जाके। और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो है आप लोगों का हिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ की, सभी क्लास ट्वेल्थ के जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ मैंने सबके नोट्स जो है अपलोड करती रहती हूँ। साथ ही के साथ में ये जो स्लाइड्स जितनी भी मैंने यूज़ करी हैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाते हुए, इससे भी बेहतरीन शॉर्ट नोट्स मैं क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो जाके आपको सब मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे, प्लस मैं कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगी। बाकी पूरे चैप्टर्स को एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक, तो उसके लिए प्लेलिस्ट आपको गिवन है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे फिजिकल एजुकेशन के, ऐसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी, और बाद में मैं आपको आपके रिविजन बैचेज में हम इनका रिविजन भी करेंगे बिफोर आर एग्जाम्स, ठीक है। तो चलो अब मैं चलती हूँ बाबा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी हो रह गई हो इस चैप्टर में तो पूछ लो, नेक्स्ट सेशन में वो भी आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।